मैं अब हमारे हरियाणा के सेक्रेटरी, जिनके नाम में ही फौज है, आदरणीय फौजी जी यहाँ पर आइए और हरियाणा की ओर से परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को आदरांजलि दे दीजिए। अरे तो बैगने को मम्मी बैग नमो बुधाय मम्मी बैग जय भीम जय भीम। आज 63वें महानिर्वाण दिवस पर विश्व रतन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय बोध महासभा की अध्यक्षा ताई मीरा जी को, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी को और हमारे जगदीश गौ जी को, दूर दराज से पूरे देश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष विकास उपासक कैमरा लावा ले बंदे जी, इधर ट्राइपॉड लाता है, आप सभी कार्यकर्ताएं महाराष्ट्र की जनता को नमन करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ। जगदीश गवई जी ने जैसे मन से संचालन करते हुए बोला, हरियाणा से फौजी जी आएंगे संबोधित करेंगे। दोस्तों मेरा नाम फौजी है और मैं भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हूँ और आप जानते हैं हमारे महिषिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी भूतपूर्व सैनिक के सपुत्र हैं। आज 6 दिसंबर है, इस मंच के माध्यम से हम बोलते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं, बाबा साहब नहीं रहे, लेकिन मेरा ये मानना है अगर बाबा साहब हैं, थे और अमर रहेंगे। जब तक इस देश में संविधान जिंदा है, बाबा साहब अमर रहेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरे को आज ये इस मंच में बोलने का जो उत्सव अवसर मिला है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। हम जब भी कहीं जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मुख्य रूप से शिक्षित, संगठित और संघर्ष की बात कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है शिक्षा, संगठित और संघर्ष से पहले मैं आप सबका अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इंसान स्वस्थ होना सबसे ऊपर है और इंसान स्वस्थ कब रह सकता है, जब वो अच्छे आचरण और अच्छी सोच और अच्छा भोजन करेगा तभी स्वस्थ रह सकता है। बाबा साहब से जो मैंने सीखा है, जो मैं महसूस करता हूं, बाबा साहब का जो स्वस्थता था
उनकी दिनचर्या पर निर्भर करता था। इसलिए स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हरियाणा से हूं, कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए मैंने इस बात पर विशेष रूप से जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और जो भी हमारे ट्रेनिंग सेमिनार लगते हैं उसमें आप एक जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो हेल्थ का, स्वास्थ्य का जरूर रखिए। जब हम स्वस्थ होंगे तभी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, तभी हम एक दूसरे को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो ना हम अपनी रक्षा कर पाएंगे ना दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप सब बधाई के पात्र हैं, आप जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जरूर होगा, परिवर्तन होगा तो आप और हम क्यों ना करें, हम अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाएं। इस परिवर्तन के लिए हमने एक लंबी लड़ाई, जो संघर्ष जारी है, बाबा साहब ने जो अंतिम संदेश दिया है, दम का जो संदेश दिया है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। धम को समझिए, धम के जो सिद्धांत है, जो पंचशील है, उसको जानने की जरूरत है। और वो कब संभव है? जब आप भारतीय बौद्ध महासभा को ज्वाइन करेंगे तो आप सबका स्वागत है। भारतीय बौद्ध महासभा में आप आइए, बहुत ही अच्छा वातावरण और शिक्षित जो है इसमें आकर के बनिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अपनी हाजिरी जरूर दाखिल करिए। इसके साथ साथ एक दो चीजें और आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो माफी चाहता हूं, मैं हरियाणा से हूं, केवल हरियाणवी भाषा ही जानता हूं, दूसरी भाषा मेरे को आती ही नहीं है। जगदीश जी ने इनवाइट कर लिया तो इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो आपसे निवेदन करूंगा तो जो हमारी हरियाणा की भाषा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और मेरा साथ दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हम सब रहने हैं, आप जानते हैं कि इस देश को बाबा साहब ने संविधान बना करके दिया, आपने जो संविधान दिया आज वो दिल्ली में रखा हुआ है। और आप ये भी जानते हैं और दिल्ली के नजदीक जो है वो हरियाणा प्रदेश है। तो दोस्तों मैं मन से एक बात कहना चाहता हूं, अगर संविधान की तरफ किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। आप महाराष्ट्र में दूर बैठे हैं, हम बहुत नजदीक बैठे हैं, और दिल्ली वाले इस बात को कान खोलकर सुन लें, बाबा साहब का बना हुआ सिद्धांत हमारा है, हमारा रहेगा। हम भारतीय हैं, हम मूल निवासी हैं और हमें किसी कीमत पर इसको आंख नहीं आने देंगे। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, आप जानते हैं बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें किस तरह की सुरक्षा
शिक्षा अधिकार, मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान जो है इस देश को चलाता है, और संविधान जो है उसकी जो न्यायपालिका है, मुख्य रूप से तीन स्तंभ है मेरे ख्याल से, मेरे से बुद्धिमान व्यक्ति यहां बैठे हैं। एक तो न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, और तीसरी जो है वो अजी न्याय का है। तो मुख्य रूप से तीन ये जो स्तंभ है संविधान जो है इसी के बेस के ऊपर पूरा देश चलता है। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर लाल सिंह जी, और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं कपूर सिंह सिंगल जी, हमारे प्रदेश के कोष अध्यक्ष संतोष मोहिते जी, संदेश मोहिते जी, सभी लोग निष्ठा से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब बधाई के पात्र हैं। मैं भी उनकी टीम में जो भी मेरी ड्यूटी लगती है मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूं। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप धर्म को समझने की कोशिश करें, समय बहुत कम है। आप जब भी हरियाणा में आए तो आपका स्वागत है, समय समय पर मिलते रहेंगे। और इस बाबा साहब के अंतिम संदेश को और आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद हरियाणा से फौजी जी ने जो आपको बताया है। हरियाणा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लाल सिंह जी आज किसी कामवश नहीं आ पाए हैं, वरना वो आप लोगों को बता देते कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम की भूमि है जहां पर कोई युद्ध नहीं हुआ है, वो बुद्ध भूमि है। और उस कुरुक्षेत्र में ही आगे चलकर ये भारतीय बौद्ध महासभा का जो समता सैनिक दल है, जो हमारे आदरणीय इसके भंडारे साहब के नेतृत्व में चलता है, आने वाले मई में राष्ट्रीय अधिवेशन समता सैनिक दल का आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। और आप सभी लोग आमंत्रित हैं उस अधिवेशन में।